हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के नामों को क्रमवार याद करने की ट्रिक। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए इनको हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेता होता है। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री अपने साथ एक कैबिनेट का चयन भी करता है और उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराते हैं। हालांकि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसका फैसला केवल प्रधानमंत्री ही करते हैं। चलिए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है, जवाहर भरे लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण हुए इंद्र भरे राजी। विश्व चंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव भय गुजराल, अटल ते मनमोहन बोले, अब की बार मोदी सरकार। फिर से देखेंगे, जवाहर भय लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण हुए इंद्र भये राजी। विश्व चंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव भय गुजराल, अटल ते मनमोहन बोले, अब की बार मोदी सरकार। सबसे पहले हम बात करें जवाहर शब्द की, तो जवाहर शब्द से याद करेंगे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1947 से 27 मई 1964 तक। नेक्स्ट हम बात करें लाल बहादुर। लाल बहादुर से याद करेंगे हम लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके पहले हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद और लाल बहादुर शास्त्री के पहले गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। यह 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री रहे थे और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल की बात करें तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। नेक्स्ट हम देखें इंद्र बने मुरारी। इंद्र शब्द से याद करेंगे हम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इनके कार्यकाल की बात करें तो 24 मार्च 1977 तक। नेक्स्ट हम बात करें मुरारी। मुरारी शब्द से याद करेंगे हम मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री और पद से इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री रहे। इनकी उम्र 81 वर्ष थी जब ये प्रधानमंत्री बने। इनके कार्यकाल की बात करें तो 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। नेक्स्ट हम बात करें तब चौधरी के चरण हुए, तो चौधरी शब्द से याद करेंगे हम चौधरी चरण से। यह भारत के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना एक भी दिन नहीं किया। इनके कार्यकाल की बात करें तो 28 जुलाई
28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंद्र भाई राजी। इंद्र शब्द से याद करेंगे हम इंदिरा गांधी दूसरी बार पद संभालने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इनके कार्यकाल की बात करें तो 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। नेक्स्ट हम बात करें राजी शब्द से याद करेंगे हम राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे, जो कि 40 वर्ष के रहे। इनकी कार्यकाल की बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक। नेक्स्ट हम बात करें विश्वनाथ प्रताप से हैं। इनकी यह पहले प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। इनके कार्यकाल की बात करें तो 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। नेक्स्ट हम बात करें चंद्र सबसे याद करेंगे हम चंद्रशेखर, समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 नेक्स्ट हम बात करेंगे नरसिंह शब्द से याद करेंगे हम पीवी नरसिम्हा राव। यह दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे अटल देव भाई गुजराल। अटल शब्द से याद करेंगे हम अटल बिहारी वाजपेयी। यह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी सरकार एक वोट के कारण गिर गई थी। इनके कार्यकाल की बात करें तो 16 मई 1996 से 16 मई सॉरी हाँ 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक इनकी सरकार 16 दिन रही थी। नेक्स्ट बात करें हम देव शब्द से याद करेंगे हम एसडी देवगौड़ा। यह जनता दल से संबंधित थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक यह प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट बात करें हम गुजराल शब्द से याद करेंगे हम इंद्र कुमार गुजराल। यह व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें पीएम रहे।
इनके कार्यकाल की बात करें तो 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 98 तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला। नेक्स्ट बात करेंगे अटल ते मनमोहन बोले। अटल शब्द से याद करेंगे हम अटल बिहारी वाजपेयी। यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने कार्यकाल को पूरा किया। यह दो बार प्रधानमंत्री बने। इनके कार्यकाल की बात करें तो 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक। चार तक ये प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट बात करें मनमोहन शब्द से याद करेंगे मनमोहन सिंह पहले सिख प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे अब की बार मोदी सरकार। मोदी से याद करेंगे हम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के रूप में दो कार्यकाल को पूरा करेंगे। इसके साथ ही वह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो दो कार्यकाल को पूरा करेंगे। इनके कार्यकाल की बात करें तो 26 मई से अब तक जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ये तो थी हमारी ट्रिक। इस ट्रिक को आप एक से दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चनों को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।